जननायक जनता पार्टी ने आज गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के सोहना और नुहू में रोड शो निकाला, जिसमें भारी जनसैलाब के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया के समर्थन में इस रोड शो में शामिल हुए। रोड शो में युवाओं की भारी तादाद भी देखने को मिल रही है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि बीते 20 साल में गुरुग्राम में शाही राज गति पर काबिज हुए हैं, लेकिन इस बार लोगों ने युवा को सांसद तक पहुंचाने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि यही वजह है कि राहुल यादव फाजिलपुरिया का युवाओं का भरपूर समर्थन रहा है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने उचाना में हुई घटना की भी निंदा की है। रोड शो आज किया जा रहा है, कितना जनसमर्थन है और खास तौर पर आपने देखा होगा इस संघर्ष के साथ युवा अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं मानता हूँ जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया को ऐतिहासिक बहुमत से अपना सांसद लोग चुनने का काम करेंगे और परिवर्तन जो 20 साल से कब्जा गांव के लोकसभा क्षेत्र की सीट पर है, इस कब्जे को छुड़वा कर एक नए जनता के बीच में रहने वाले युवा सारथी को चुनने का काम गुड़गांव की जनता करेगी। और मैं तो मानता हूँ जो मेवात का प्यार और तरुण स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय से है, आज जनता उसको भी देख चुकी है और आज जिस तरह से जनसैलाब मेवात में निकल के आया है, राहुल की जीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेवात की तरह से। क्या मानते हैं कि मेवात को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? मैं तो मानता हूं आज युवा जो है वो बदलाव की रूपरेखा तय करेंगे, वो अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भेजेंगे। ऐसे उम्मीदवार भी आए हैं जिनको गुड़गांव की शायद डेमोग्राफी भी नहीं पता, टोपोग्राफी भी नहीं पता और रातों रात उनको ला दिया गया। आज ये सारी चीजें जनता ने देखी और ऐसा व्यक्ति अपने मैदान में उतार है जो गुड़गांव के सुख सुख में तो खड़ा रहा है मगर हरियाणा की आवाज भी निरंतर बॉलीवुड तक भी जाकर बढ़ रही है। एनसीआर में पड़ता है नूर क्षेत्र, आपने भी कई बार विधानसभा मुद्दा उठाया है कि अभी भी पिछड़ापन का शिकार है। देखो हमने तो, मैं तो अभी आया और आपके रोज का मेव का आईएमपी खाली पड़ा रहता था, हमने एटीएल लाने का काम किया। आज 180 एकड़ में फैक्ट्री लग रही है जो इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने आप में मेवात के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आई। इस तरह का माहौल पूरे हरियाणा में देखा, बहुत अच्छा माहौल है और जो जोश और उत्साह लोग चाहते थे, बदलाव चाहते थे, हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में भेजना चाहते थे, मुझे लगता है कि मजबूती से इस बार हरियाणा की जनता वोट। कल भाजपा के दो नेताओं का विरोध हुआ है काफी, आगामी 25 तारीख को अपना एक एक वोट राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में चाबी का बटन। कल सिरसा में विरोध हुआ है भाजपा नेताओं का, देखो जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, मैं तो एक घटनाक्रम बता सकता हूँ जो उखाड़ा में बहुत बड़ा निर्णय लिया था और वहाँ पर कई लोगों ने किसानों का चोला पहन और जो श्री नैना चौटाला जी के काफिले में पथराव किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, कपड़े तक फाड़े गए और किसान संगठनों ने भी खापों ने भी इसका विरोध किया और आज के दिन जनता इसको समझ रही है कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कौन सा चोला पहन कर फैला रहा है। राहुल जी किस तरीके का जनता का प्यार मिल रहा है आज रोड शो आप कर रहे हैं और कहाँ कहाँ का मतलब प्लान है रोड शो का? कहना चाह रहा हूँ आज हम दूमेवा सोना पिनंगुआ पुनहाना फिरोजपुर क्षेत्र का हम रोड शो कर रहे हैं और जनता का आप लोगों को समर्थन दिख रहा है। अब पर युवाओं ने ठान लिया है कि बदलाव लाना है और उस बदलाव की लड़ाई में मैं चलाऊँ, मेरा साथ दे रहे हैं, अपने होटी डाल रहे हैं, आप लोगों के सामने चला रहा हूँ। राहुल नू के लिए क्या विजन है? नू के लिए मेरा विजन है जो आज देश को जादू 75 साल हो गए लेकिन आज भी नू के साथ भेदभाव वाली राजनीति हुई है, पिछड़ापन है, उनके हमेशा उनके साथ एक ऐसा काम किया गया जो उनको अलग रखा जाए, उनको अशिक्षित रखा जाए, ना पे शिक्षा है, ना पीने को पानी है, ना हॉस्पिटल है, ना उनके पास कोई ऐसी सुविधा है जो उनका, मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले इनका हक दिलाने का काम करेंगे। जो युवा यहाँ पे आज बेरोजगारी को रोजगार, जो हमारे बच्चे अशिक्षित हैं उनको शिक्षा और हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उन्हें इन हॉस्पिटल आगे लाइन के अंदर कम तोड़ना पड़ता है, ऐसे हॉस्पिटल बनाएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल की शक्ल। बीजेपी कह रही है कि रात का चुनाव है इसलिए रात के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए वोट दें। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे तो कांग्रेस
बीजेपी भी कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कौन सी उन्नति हुई, कांग्रेस ने तो खूब गाके रेल लाएंगे सिटी बजाएंगे और बीजेपी ने तो हमेशा धर्म की राजनीति करी। मैं कहना चाहता हूँ हम देवीलाल जी की नीतियों पे चल रहे हैं, भाई दुष्यंत भाई जी की नीति पे चल रहे हैं, हम सबको एक साथ जोड़ के एक साथ लेके चलेंगे। जैसे ताऊ देवीलाल जी करते थे कि एक थाली में बैठा के खिलाने का काम करते हैं, वही करेंगे और सबको एक साथ रख के सबको बराबर का हक देंगे और अपने साथ आगे बढ़ेंगे। आगे मैं युवाओं से क्या अपील है? मेरी युवाओं से अपील है कि कहने को तो युवाओं की आंधी तो चल चुकी है और मेहनत भी रंग लाने लगी है। यही संघर्ष यही जोश 25 तारीख के और ऐसी चाबी आप लोगों के पास है कि आपके भविष्य का भी ताड़ा खोलेगी, स्कूलों का भी ताड़ा खोलेगी और अस्पतालों का भी। और मैं तो कहना चाहता हूँ मेरी इंडस्ट्री से भी काफी लोग हैं, आपके फिल्म सिटी का भी ताड़ा भी यही चाबी खोलेगी। तो इस चाबी का इस्तेमाल अच्छी।